हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। सो आप में से काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे हमें MT125 के लॉन्च होने का, जो कि एक नेकेड वर्जन होने वाला है यामा की तरफ से MT सीरीज का सबसे छोटा वर्जन, जो कि 125 सीसी इंजन सेगमेंट में लॉन्च होने वाला है। जैसा कि आपको पता है ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये इंडिया में लॉन्च अभी तक नहीं हुई है। जबकि कहीं ना कहीं से सोर्स आते रहते हैं कि इंडिया में कब लॉन्च होने वाली है, कोई कहता है दीपावली पर लॉन्च होने वाली है, कभी लॉन्च होने। तो आज मैं सारी डाउट आपके क्लियर कर दूंगा कि ये गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है और कैसे लॉन्च होने वाली है, ये भी मैं बता दूंगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना किसी देरी के जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन डायमेंशन, फीचर्स और अदर प्राइस वगैरह के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है और क्यों और कैसे लॉन्च होगी, ये इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। तो ये 124 सीसी लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ लॉन्च होने वाली, जो कि ये VS6 इंजन होने वाला है, जो 6 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आएगा, जो कि 14.7 HP का पावर जनरेट करेगा और टॉर्क जनरेट करेगा 12.5 Nm का। वहीं इसके कलर्स और ग्राफिक्स की बात करें तो ये आइकन ब्लू, टैक ब्लैक और स्टॉर्म ब्लू, ये 3 कलर ऑप्शन के साथ इंडिया में देखने को मिल जाए। लेकिन यामा का हमेशा की तरह आपने देखा होगा कि यामा कुछ ना कुछ नया अपने कलर और ग्राफिक्स के साथ करता रहता है, तो हो सकता है और भी नए कलर और ग्राफिक्स के साथ ये इंडिया में देखने को मिल जाए। बात करें इसके डायमेंशंस की, तो इसकी ओवरऑल लेंथ होने वाली है 1960 mm और विड्थ होने वाली है 800 mm की। वहीं इसके ओवरऑल हाइट की बात करें तो ये 1065 mm की हाइट के साथ आएगी और इसका ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है 160 mm। इसके सीट हाइट की बात करें तो ये 810 mm की सीट हाइट के साथ देखने को मिल जाएगी, जो कि 5.5 फीट से ऊपर के बंदे के लिए भी कंफर्टेबल रहेगी। बात करें इसके कर्व वेट की, तो ये 142 kg के कर्व वेट के साथ देखने को मिलेगी। वहीं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी होने वाली है 11 लीटर की। वहीं ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बड़े आराम से अचीव कर सकेगी और इसका माइलेज देखने को मिलेगा 50 to 55। बात करें इसमें डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिल सकते हैं। वहीं फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि RPM, गियर इंडिकेटर, न्यूट्रल, क्लॉक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के आदि फीचर्स के साथ देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके कंपटीशन की बात करें तो इसका इंडिया में कंपटीशन होने वाला है ड्यूक 125 और NS125 के साथ, क्योंकि इंडिया में अभी यही दो बाइक हैं जो MT125 को साथ कंपटीट सन कर सकती हैं, बाकी अभी ऐसी कोई बाइक है नहीं इंडिया में। बात करें इसके फ्रंट टायर की, तो 100x80 17 इंच अलॉय व्हील के साथ आएगी। वहीं रियर टायर की बात करें तो 140x70 17 इंच अलॉय व्हील के साथ ही देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें LED हेडलाइट विद LED DRLs, LED टेल लाइट, साथ ही हेलोजन बल्ब इंडिकेटर के साथ ही स्लीपर क्लच और BVA टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक इंडिया में देखने को मिलेगी। बात करें इसकी प्राइस की, तो ये 1,20,000 से 1,30,000 के एक शोरूम प्राइस दिल्ली के साथ में मिल जाएगी। ये तो हुई बात इनके इंजन स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स की बात। चलिए अब बात करते हैं ये बाइक इंडिया में कब देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है यामा ने रिसेंटली MT115 को इंडिया में लॉन्च किया है, जिससे कि ये इस गाड़ी की प्राइस 14 to 15,000 बढ़ चुकी है, जिससे यामा के पास अब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बचा जो 1.5 लाख के नीचे आता हो। तो ऐसे में यामा एक 125 सीसी सेगमेंट की बाइक को इंडिया में ज़रूर उतारेगा। लेकिन यामा के पास 125 सीसी सेगमेंट में 3 बाइक अवेलेबल हैं, जो कि SXR 125, यामा MT125 और यामा R125। ये तीनों ही बाइक 125 सेगमेंट में यामा के पास हैं। तो इनमें से सबसे पहले कौन सी बाइक देखने को मिलेगी, ये तो यामा ही बता सकता है। लेकिन किसी एक बाइक के लॉन्च होते ही ये तीनों ही बाइक इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगी। इसका एग्जैक्ट लॉन्च तो किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये 2022 के
एंड तक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यामा अपनी किसी भी बाइक को लॉन्च करने से पहले 15 दिन पहले या एक महीने पहले ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है। तो आप मुझे बताओ, इन बाइक्स में से आप कौन सी बाइक खरीदना पसंद करोगे? अगर MT125 इंडिया में लॉन्च होती है तो आप खरीदेंगे, या फिर इसी कंपनी की और जो दो बाइक हैं उन्हें खरीदना आप पसंद करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। जय हिंद, थैंक्स टू ऑल। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।